सुन के तेरी नज्म को मेरी पायल यूं खनक गई, बारिश की मदहोश बूंदें मेरे आंचल से लिपट गई, बादलों की साजिशों से मैं यूं तुझमें सिमट गई, जुल्फों की मेरी उलझने तेरे आगोश में आकर सुलझ गई। कैसी लगी आपको ये कोट? मैंने इन शब्दों को बहुत ही संभाल कर और ध्यान से बनाया था और कासिम को मैंने दिया था। कासिम ने इसे मुझे बहुत ही सुंदर सी कविता में पिरो के दिया है और मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिलहाल हमारे लॉन्ग ड्राइव के ऊपर एक ठहराव आया है, ट्रेन निकल जाए फिर हम भी आज़ाद हो जाएंगे इस क्रॉसिंग को पार करने के लिए और फिर से अपनी ड्राइव के ऊपर निकल पड़ेंगे। गाइस, कभी आपने रेलवे ट्रैक के ऊपर फ़ोटो शूट करके देखा है? वो भी बारिश के सीज़न में करके ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आती है। आगे मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ जो फ़ोटोज़ कुछ एक हमने क्लिक की थी, बहुत अमेजिंग अपीयरेंस आती है रेलवे ट्रैक की। आप ट्राई करना चाहें तो गूगल सर्च इंजन पे भी ये चीज़ डाल सकते हैं कि बारिश और रेलवे ट्रैक, बहुत अमेजिंग फ़ोटोग्राफ्स आपके सामने आएंगी। ये कुछ फोटोज है जो हमने खुद ने क्लिक की थी हमारे इस ड्राइव के दौरान। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का मौसम ने तो मुझे वैसे भी बहुत ठीक कर दिया है। बहुत सुंदर मौसम है आज। आज है 24th ऑफ अगस्त 2020। एक्चुअली इतना टाइम इसलिए लगा कि मैं डेट मिस कर रही थी कि आज डेट क्या है। तो आज है मंडे 24th अगस्त 2020 और हम लोग आए हैं फिलहाल लूनी। एक्चुअली हम लोग मीन्स मैं एंड मेरे हस्बैंड, उनका कुछ काम था यहाँ पे, उनके कुछ मैटर केस मैटर्स लगे हुए थे तो वो उसको हैंडल कर रहे हैं फिलहाल। तो वो गए हुए हैं कोर्ट और मैं कोर्ट के प्रमाइसिस के अंदर अभी फिलहाल बैठी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ और इस गाड़ी के अंदर बंद हूँ इतने सुंदर मौसम के अंदर। तो फिलहाल बारिश कुछ समय के लिए थमी है और हम लोग जो है अभी थ्रू आउट जब तक जोधपुर से यहाँ आए हैं तब तक लगातार बारिश चल रही थी और काफ़ी जगहों पे जो छोटे छोटे खड्डे थे, डैम्स थे, वो उन सब जगहों पे पानी भर चुका है अच्छे से। तो गाड़ी पूरी नहा नहा कर आई है तो हम लोग अब यहाँ से जैसे ही हस्बैंड फ्री हो जाएंगे तो साहब के फ्री होते ही हम जाएंगे बिल्कुल उसी जगह पे जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। सिर्फ उसका मैंने ओवरव्यू दिया था, सिर्फ बाहर से दिखाया था उसको, आज अपन उसको अंदर जाके देखेंगे। मैंने सुना है वहाँ कोई जोग माया का मंदिर है, उसके अलावा कुछ छतरियाँ बनी हुई है जो कि उस जगह को फोटोजेनिक बना देती है। तो वहाँ के कुछ फोटोशूट्स लेंगे और आपके साथ में मैं शेयर करूँगी और ये भी देखेंगे कि वहाँ जो एक सुंदर सा पॉन्ड है जो रेनी सीजन के अंदर ही फिल होता है, वो पॉन्ड कितना भरा है। हालांकि अगर वो पूरा भरा हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फोटोज़ बहुत सुंदर आएंगी, लेकिन लेट्स सी वहाँ जाकर पता चलेगा कि कैसा रहता है वहाँ पे। तो मैं फिर आप पहुंच चुके हैं हम आज के हमारे डेस्टिनेशन पे। ये हमारा एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है जो कि जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर के रेंज में है शायद, और यहाँ पे कहते हैं कि एक जोगमाया का मंदिर भी है और साथ ही के अंदर ये छतरियाँ भी। ये जो पॉन्ड आपको सामने दिख रहा है, जो ये तालाब है, ये बारिश के पानी से ही फुल होता है। तो साल में जितनी बारिश आएगी उतना ही पानी इसके अंदर फिल होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर और घंटों हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत शांति है क्योंकि लोगों को अभी तक नहीं मालूम है कि इतना सुंदर पिकनिक स्पॉट भी हमारे जोधपुर के आसपास है। तो हमने काफ़ी देर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और अच्छा खासा कलेक्शन बना लिया अपनी डीपीज़ के लिए। तो फिलहाल अब बहुत तेज़ भूख लगने लगी है क्योंकि बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म कुछ खाए पिए नहीं, ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। लेकिन यही है कि बाहर का खाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इसलिए हम लोग अब घर की तरफ निकल चुके हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, साथ ही के अंदर चाय भी बन रही है। पिज़्ज़ा की टॉपिंग की तैयारी पहले करते हैं, तो उसके लिए रेड और येलो बेल पेपर लिया है, ग्रीन कैप्सिकम, उसके साथ ही के अंदर दो हरी मिर्ची और एक टमाटर लिया है, साथ ही में दो प्याज लिए हैं ताकि उसको मैं ऊपर से अलग से स्प्रिंकल कर सकूं। इन सभी को मैं रफली चॉप कर रही हूं और उसके बाद में मैं पैन लेकर करीब 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर तेल डाला है और उसके बाद सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी है। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, उसके अलावा इसका कलर हल्का सा डार्क होना चाहिए, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब मैंने इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर दिए हैं, मुझे पिज़्ज़ा टॉपिंग के अंदर स्वीट कॉर्न्स बहुत पसंद है और वैसे भी इसके अंदर तो आप जितनी चाहें उतनी तरह की वेजीज डाल सकते हैं। अब इसको प्रॉपरली हम सॉटे कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करने के बाद में अब इसके अंदर मसाला डालेंगे।
मसालों में सबसे पहले मैं इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच हरा धनिया पाउडर। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। ये सारा मसाला मैंने मीडियम स्पाइसी टॉपिंग्स के लिए बनाया है, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा सॉस भी बाद में यूज़ करूँगी तो मसाला ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने इतने ही मसाले इसमें डाले हैं। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले डाल दीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर प्याज की स्लाइस डाल रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और साइड में रख दिया है। अब पिज़्ज़ा बेस को सेकने की बारी आ गई है, तो मैंने इसके अंदर तवा लिया है नॉनस्टिक और उसके ऊपर बटर लगाया है और अब इसमें पिज़्ज़ा बेस मैंने रख दिया है। ये मैं मेयो यूज़ करूँगी, उसके अलावा ये पिज़्ज़ा टॉपिंग यूज़ करूँगी। तो पहले पिज़्ज़ा टॉपिंग इसके ऊपर 2 चम्मच डाल के मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। अब इसके अंदर मेयो हम डाल देंगे और उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मेयो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको क्रीमी पिज़्ज़ा चाहिए है तो आप मेयोनीज़ डालिए, अगर नहीं चाहिए है तो वो आपकी इच्छा है। साथ ही के अंदर पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस डालने की जगह आप नॉर्मल टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। तो ये टोटली आपके टेस्ट बड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमने वेजी टॉपिंग बनाई थी वो स्प्रेड कर चुकी हूँ और उसके बाद में ये चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो 8 मिनट के अंदर बन के बिल्कुल तैयार है और ये देखिए कितना लजीज लग रहा है, ये बहुत क्रीमी। एंड हेयर इज़ द फाइनल प्रेजेंटेशन। हम लोग एवेंजर्स एंड गेम देख के हमारा पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पिज़्ज़ा की रेसिपी घर पे ट्राई कीजिएगा, आप बाहर जाके पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे। टिल देन बाय बाय।